नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। राजस्थान के कोटा में राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा यानी नीट की तैयारी कर रही एक छात्रा ने फांसी लगाकर जान दे दी। इस साल राजस्थान के कोचिंग हब कोटा में 25 छात्रों की आत्महत्या से मौत हो गई है। पिछले महीने टेस्ट देने के कुछ घंटों बाद ही दो नीट अभ्यर्थियों ने आत्महत्या कर ली थी। इसके बाद कोचिंग संस्थानों को टेस्ट रोकने के लिए आदेश निकाला गया। दरअसल राजस्थान के कोटा में लगातार बढ़ते आत्महत्या के मामलों ने पढ़ाई के तौर तरीकों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इंजीनियरिंग के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा यानी JEE और मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा यानी नीट जैसी प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं की तैयारी के लिए सालाना 2 लाख से अधिक छात्र कोटा जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट फिर से मीडिया ट्रायल को लेकर बरस गया है। इसने कहा है कि पक्षपातपूर्ण रिपोर्टिंग संदेह पैदा करती है कि व्यक्ति ने अपराध किया है। इसने कहा कि पीड़ित और आरोपी दोनों के अधिकार प्रभावित होते हैं। शीर्ष अदालत ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को आपराधिक मामलों के संबंध में पुलिस के लिए प्रेस ब्रीफिंग के लिए दिशा निर्देश तैयार करने का निर्देश दिया है। इसके लिए केंद्र को 3 महीने का समय दिया गया है। इसके साथ ही इसने सभी राज्यों के DGP को मैनुअल के लिए अपने सुझाव देने का निर्देश दिया। अदालत ने निर्देश दिया कि इस मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी NHRC के इनपुट पर भी विचार किया जाए। CGI DY चंद्रचूड़, जस्टिस PS नरसिम्हा और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा कि न्याय प्रशासन मीडिया ट्रायल से प्रभावित होता है। पीठ ने कहा यह तय करने की जरूरत है कि जांच के किस चरण में क्या खुलासा किया जाना चाहिए। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है क्योंकि इसमें पीड़ित और आरोपी के हित शामिल हैं। इसमें जनता का हित भी शामिल है। बड़े पैमाने पर अपराध से संबंधित मामलों में मीडिया रिपोर्ट में सार्वजनिक हित के कई पहलू होते हैं। मीडिया ट्रायल को लेकर लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने खासकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की रिपोर्टिंग को लेकर जोर दिया। उन्होंने कहा इस मामले में सार्वजनिक हित की कई परतें शामिल हैं जिनमें जांच के दौरान जनता का जानने का अधिकार, जांच प्रक्रिया पर पुलिस के खुलासे का संभावित प्रभाव, आरोपियों के अधिकार और न्याय का समग्र प्रशासन शामिल है। शीर्ष अदालत इसी विषय पर 2017 के निर्देश से संबंधित एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी। अदालत ने तब सरकार से कहा था कि वो आरोपी और पीड़ित के अधिकारों को ध्यान में रखते हुए पुलिस ब्रीफिंग के लिए नियम बनाए और ये सुनिश्चित करे कि दोनों पक्षों के अधिकारों का किसी भी तरह से पूर्वाग्रह या उल्लंघन न हो। कैबिनेट बैठक में उज्ज्वला स्कीम में नए LPG कनेक्शन को मंजूरी मिल गई है। 75 लाख नए LPG कनेक्शन देने को मंजूरी मिली है। स्कीम के तहत 1650 करोड़ रुपए की सब्सिडी मंजूर हुई है। आपको बता दें कि सरकार ने इससे पहली कैबिनेट बैठक में 33 करोड़ ग्राहकों के रसोई गैस सिलेंडर के दाम 200 रुपए तक घटा दिए थे। वहीं उज्ज्वला स्कीम के तहत ग्राहकों को 400 रुपए प्रति सिलेंडर सस्ता मिल रहा था। वहीं लोगों का कहना है कि जितने पास लोकसभा चुनाव आएंगे उतना ही और सस्ता सामान किया जाएगा। विपक्षी पार्टियों के गठबंधन इंडिया की कोऑर्डिनेशन कमेटी की आज दिल्ली में बैठक शुरू हो गई है। ये बैठक NCP के नेता शरद पवार के दिल्ली स्थित आवास पर हो रही है। इस मीटिंग में शरद पवार, राजद नेता और बिहार के डिप्टी CM तेजस्वी यादव, आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा, शिवसेना UBT के नेता संजय राउत, CPI नेता DY राजा, महबूबा मुफ्ती और अन्य दलों के नेता शामिल हैं। हालांकि TMC के नेता शामिल नहीं हुए हैं। TMC की ओर से मीटिंग में अभिषेक बैनर्जी को हिस्सा लेना था लेकिन उन्हें ED ने आज पूछताछ के लिए बुलाया था। वहीं झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि हर कोई एक मंच पर रहकर काम करेगा और सीट शेयरिंग पर बातचीत को आसानी से सुलझा लिया जाएगा। विपक्षी दलों के नेताओं के मुताबिक आज की बैठक में मुंबई में तय हुए एजेंडे पर चर्चा होगी। कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया शिनेस से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पूछा गया कि चरण चुंबक मीडिया किसे कहते हैं और आप पत्रकारों का अपमान कैसे कर सकती हैं। इसके बाद उन्होंने कहा कि मैं पत्रकारों का अपमान कतई नहीं करती, मैं उनका अपमान करती हूं जो पत्रकारिता नहीं करते हैं। जिस दिन वो पत्रकारिता करना शुरू कर देंगे, सवाल पूछना शुरू कर देंगे और आँख में आँख डालकर पूछेंगे महंगाई पर, बेरोजगारी पर, अडानी के महाघोटानों पर, जलते हुए मणिपुर पर। उन्होंने कहा कि सरकार के इशारों पर चलने वाले न्यूज रूम जो कि PMO के चपरासी के व्हाट्सएप पर चलते हैं उनके लिए मेरे मन में कोई सम्मान नहीं है। वो चरण चुंबक का काम करते हैं तो चरण चुंबक कहलाएंगे। सुधीर चौधरी पर बेंगलुरु पुलिस के द्वारा FIR दर्ज करने के बाद सुधीर चौधरी ने कहा है कि कर्नाटक में कांग्रेस सरकार द्वारा मेरे खिलाफ FIR की जानकारी मिली, सवाल का जवाब FIR, वो भी गैर जमानती धाराओं के साथ, यानी गिरफ्तारी की पूरी तैयारी। मेरा सवाल ये था कि स्वावलंबी सारथी योजना में हिंदू समुदाय शामिल क्यों नहीं है। उन्होंने कहा कि इस लड़ाई के लिए भी मैं तैयार हूँ। हालांकि इसके बाद प्रियंक खड़गे ने कहा है कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए।
प्रियांक खड़गे ने एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया को टैग कर कहा है, प्रिय मित्रों, इससे पहले आपने सरकारी फैक्ट फाइंडिंग यूनिट द्वारा संभावित रूप से पक्षपात दिखाने या मीडिया की स्वतंत्रता को बाधित करने के बारे में आशंकाएं जताई थी। हालांकि क्या आप उन पत्रकारों को संबोधित करने में मदद कर सकते हैं जो जानबूझकर जनता को गुमराह करते हैं? उन्होंने सुधीर चौधरी की खबर को ट्वीट कर कहा है कि समाचार रिपोर्ट का स्वर, शैली, भाषा और समग्र जानकारी समुदायों के बीच विभाजन को भड़काने के लिए डिजाइन की गई प्रतीत होती है। क्या यह आदर्श नहीं होगा अगर मीडिया संगठन अपनी स्वयं की आंतरिक फैक्ट चेक यूनिट्स स्थापित करें और अपनी रिपोर्टिंग में अधिक जिम्मेदारी निभाएं? इस तरह सरकार के नेतृत्व वाली फैक्ट चेक यूनिट्स की कोई जरूरत नहीं होगी। भाजपा आलाकमान ने राजस्थान में वसुंधरा गुट पर पहली सर्जिकल स्ट्राइक बुधवार को कर दी है। पार्टी ने बुधवार को मेघवाल बनाम मेघवाल बवाल को खत्म करने के लिए तेजी से कदम उठाया। उसने विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बुजुर्ग विधायक कैलाश मेघवाल को निलंबित कर दिया। उनका मामला भाजपा की अनुशासित समिति को भेजा गया है। पिछले महीने भाजपा विधायक कैलाश मेघवाल ने केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल को भ्रष्ट नंबर एक कहा था और आरोप लगाया था कि अन्य दुष्कर्मों के अलावा उन्होंने राज्य के चूरू जिले में एक अधिकारी के रूप में करोड़ों रुपए की रिश्वत ली थी। कैलाश मेघवाल ने इसके बाद कहा कि भाजपा में ऊपर से नीचे तक विभाजन है, वसुंधरा के लोगों को चुन चुन कर खत्म किया जा रहा है। वहीं भाजपा नेता कैलाश मेघवाल ने संकेत दिया है कि वो अगला चुनाव अपने दम पर लड़ेंगे, यानी वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। उनकी इस घोषणा को वसुंधरा की ही रणनीति माना जा रहा है। राजस्थान के जानकार बताते हैं कि अगर वसुंधरा समर्थकों को टिकट नहीं मिला तो वह ऐसे समर्थकों को बतौर निर्दलीय उम्मीदवार उतारकर भाजपा का खेल बिगाड़ सकती हैं। कैलाश मेघवाल केंद्रीय राज्य मंत्री रह चुके हैं, भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और 6 बार विधायक रह चुके हैं। सरकार में संसद के विशेष सत्र से एक दिन पहले सोमवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। सर्वदलीय बैठक में विशेष सत्र के एजेंडे पर चर्चा होने की संभावना है। हालांकि केंद्र सरकार अपने रुख पर अड़ी हुई है, उसने ना तो संसद सत्र का एजेंडा बताया है और ना ही सोमवार को बुलाई गई सर्वदलीय बैठक का एजेंडा बताया है। सूत्रों ने कहा है कि विशेष सत्र संसद की पुरानी बिल्डिंग में शुरू होना है और 19 सितंबर को नए भवन में चलेगा। एजेंडा साफ नहीं होने के कारण विपक्षी नेता इसकी लगातार आलोचना कर रहे हैं। राजस्थान में भरतपुर के नासिर जुनैद हत्या मामले में अभियुक्त मोनू मानेसर को राजस्थान पुलिस ने मंगलवार को गिरफ्तार किया। मोनू मानेसर को पहले हरियाणा पुलिस ने हिरासत में लिया था। मोनू मानेसर की गिरफ्तारी के बाद विश्व हिंदू परिषद यानी VHP ने बयान जारी कर राजस्थान सरकार पर आरोप लगाए हैं। VHP ने मोनू मानेसर को हर तरह की सहायता देने का भी ऐलान किया है। VHP के कार्याध्यक्ष आलोक कुमार ने कहा, निर्दोष गौ भक्त मोनू मानेसर को राजस्थान पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जबकि कुछ समय पहले ही राजस्थान पुलिस ने निर्दोष माना था। चुनावों में मुस्लिम वोट बैंक के लिए गौ भक्त मोनू की गिरफ्तारी हुई है, जो उन्हें बहुत भारी पड़ेगा। आलोक कुमार के मुताबिक विश्व हिंदू परिषद गौ भक्त मोनू मानेसर को हर प्रकार से सहायता करेगा और जरूरत पड़ी तो आंदोलन भी करेगा। आयकर विभाग ने बुधवार सुबह समाजवादी पार्टी नेता आजम खान से जुड़े कई परिसरों पर छापेमारी की। ये छापे लखनऊ, रामपुर, मेरठ, गाजियाबाद, सहारनपुर और सीतापुर में की गई। लिखे जाने तक छापेमारी जारी है। खबरों के मुताबिक ये छापे अल जौहर ट्रस्ट को लेकर हैं। आयकर अधिकारियों ने बुधवार को उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में कम से कम 30 परिसरों की तलाशी ली। ये छापे आजम खान के खिलाफ कथित टैक्स चोरी की जाँच का हिस्सा है। पूर्व मंत्री आजम खान अल जौहर ट्रस्ट के प्रमुख हैं। समाजवादी पार्टी के सांसद रामगोपाल यादव ने कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए इसे केंद्र सरकार की हताशा बताया है। रामगोपाल यादव ने कहा, ऐसा लगता है कि दिल्ली में बैठे लोग हताशा में कदम उठा रहे हैं। आजम खान के खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकार के इशारे पर पहले ही सैकड़ों फर्जी मुकदमे कायम किए गए हैं। जहाँ तक इनकम टैक्स के छापे की बात है, मुझे नहीं लगता कि आजम खान जैसे ईमानदार व्यक्ति के यहाँ ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए। ये दुखद है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी.com के साथ। We'll be right back.